नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी एंड गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिससे आपके प्लांट्स की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और जो एग्रीकल्चर शॉप होती है आपको वहाँ पर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ये आपके प्लांट की जो पत्तियों का कलर ख़राब हो गया है या फिर जो पत्तियों का कलर येल्लो हो गया है, आपके प्लांट्स में येलो पत्तियाँ होके गिर रही हैं या फिर बर्ड्स नहीं बन रही हैं या जो बर्ड्स बन रही हैं वो भी गिर रही हैं, इसी के साथ साथ कभी कभी ये भी होता है कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके फ्लावर का साइज़ अच्छा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। और जब आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, जब आप उसे लगाते हैं तो वो 2-3-4 दिन तक मुरझाया हुआ रहता है। तो अगर आप इसके साथ उसे लगाएंगे, ये डालने के बाद अगर आप उसे लगाएंगे तो आपका जो प्लांट है शोक में नहीं जाएगा और वो जल्दी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपके पत्तों का जो कलर है वो भी अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अगर आप इसका स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स पे तो जो आपके प्लांट्स पे पैड्स लगे हैं या जो भी मिलीबग्स का अटैक हो चुका है वो सब इससे रिमूव भी हो जाएंगी, फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी और प्लांट्स का कलर भी बहुत अच्छा होगा। तो ये है एप्सम सॉल्ट, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है एप्सम सॉल्ट। ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पे आराम से मिल जाएगा। आप इसे एप्सम सॉल्ट के नाम से ले सकते हैं या फिर आप इसे मैग्नीशियम सल्फेट नाम से भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये दिखने में कैसा होता है। ये देखिए, इसके दाने में थोड़ी सी चमक होती है, ये नमक जैसा नहीं होता है। और आप इसे अपने कोई भी फूलों वाले प्लांट में डाल सकते हैं या कोई भी पत्तों वाले प्लांट में डाल सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और उसमें इस तरीके से डाल दीजिए और एक दिन बाद अगर आप इसे पानी देंगे तो इसकी जो भी गुणवत्ता है फर्टिलाइज़र की वो सारी आपके प्लांट को आराम से मिल जाएगी। और आप इसका स्प्रे कैसे बना सकते हैं, आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिक्स कर लीजिए और अपने सभी प्लांट्स पे इसका स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से आपके प्लांट्स पे जो भी पेस्ट लगे हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। और आप ये यूज़ कब कर सकते हैं, आप इसको महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं, सब्जी वाले पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें फ्रूट नहीं बन रहा हो तो आप इसे उसमें भी यूज़ करके देखिए, आपको फ्रूट्स जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसे सभी तरह के प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स का कलर कितना अच्छा है। अगर आपकी किसी प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है तो आप इसे उसमें भी यूज़ करके देखिए दोस्तों, प्लांट की जो ग्रोथ है वो वापस से बढ़ जाएगी, पत्तों का कलर भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों इसे यूज़ कीजिए और आपके जो भी रिज़ल्ट आया आप उसे अपना रिज़ल्ट मुझे कमेंट में लिख के बताएं ज़रूर। अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।